अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आम जनता के लिए आवाज उठाने वाले पप्पू यादव इस समय जेल में कैद हैं और इलाज के लिए डीएमसीएच में इलाजरत हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने स्वर्गीय राहुल झा के गरीब परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने का आग्रह किया एवं पार्टी की ओर से आज 20,000 की आर्थिक मदद साथी ब्राह्मण संगठन झंझारपुर से आए और 20,000 रुपए दिए और उनके परिवार को देने का निर्देश भी दिया। राहुल झा के परिवार को आर्थिक दैनिक मदद देने के लिए जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, उपाध्यक्ष पुतनु बिहारी, प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, दीपक झा, रोशन झा, काशिफ इकबाल आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञात हो कि मंगलवार को राहुल कुमार झा उम्र 24 साल, पिता नरेंद्र नाथ झा निवासी इंदिरा चौक मिर्जापुर, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली से लौटकर मजदूरी कर रहे थे। इसी क्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार निवासी बलभद्र के यहाँ विगत 10 दिन से मजदूरी का काम उन्हीं के निवास पर कर रहे थे। ज्ञात हो कि डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के निवास में उनकी क्लिनिक भी चल रही थी और वही दूसरी ओर मंगलवार की रात्रि में यह खबर फैली कि अपनी मजदूरी मांगने गए राहुल झा को बुरी तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर समाज के लोगों में आक्रोश भरा है। इंदिरा चौक निकट पुरम होम में के पास टायर जलाकर सड़क को जाम किया गया और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने और परिवार को मुआवजा देने की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन के आने के बाद अगले दिन तक अपराधियों को पकड़ने एवं बैठकर बात करने के बाद पर समाज के लोग और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क जाम को हटा दिए। सूत्रों की माने तो राहुल झा के 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की संलिप्तता की जांच की जा रही है, अगर उनको भी दोषी पाया गया तो FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। वही जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान का कहना है कि डॉक्टर के क्लिनिक पर CCTV मौजूद है, उसका वीडियो सार्वजनिक किया जाए, राहुल झा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर्स की टीम बनाकर सार्वजनिक किया जाए। अत्यंत गरीब परिवार है, इसलिए कम से कम 10 लाख का मुआवजा नीतीश सरकार दे। प्रधान महासचिव चुनमुन यादव ने कहा कि राहुल झा के पिता बूढ़े हैं, दिल्ली में मजदूरी करते हैं, राहुल की हत्या के बाद उनके परिवार की दुर्दशा देखी नहीं जा सकती, इसलिए किसी भाई को नौकरी अविलंब दिलाए। रोशन झा ने कहा कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर स्पीड ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दी जाए, अगर डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार की संलिप्तता है तो सजा के साथ साथ आर्थिक दंड देने का भी वो काम करें। जी बताया जाए, DSP साहब के साथ बैठक हुई, सामाजिक स्तर की क्या बैठक हुई? देखिए, DSP साहब संतुष्टिजनक आश्वासन दिए। DSP साहब ने स्पष्ट कहा कि जो दोषी होगा दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी के ऊपर 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डॉक्टर आदर्श का डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो इसमें दोषी है कि नहीं, वो अभी तक प्रमाणित नहीं हो सकी है। जो 3 आदमी पकड़ाए हैं उनका वीडियो जो राहुल जी को जो पैर बांध कर हाथ बांध कर रॉड से मारा जा रहा है वो वीडियो हम लोग देखे हैं। SSP साहब थाना दर्ज लड़िया सराय के उनको कहकर हम लोग को वीडियो दिखाया गया, हम लोग वीडियो देखे, बहुत ही निर्मम तरीके से उसमें राहुल जी का हाथ बांधे हुआ और पैर बांधे हुआ उसको रॉड से मार रहा था, उन पेट के दोनों साइड। हम लोग वीडियो देख कर मैंने पूरा रुआ खड़ा हो गया, इस तरह से किसी आदमी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए इसमें क्लियर हो गया कि वो जो 3 आदमी पकड़ाया है वो 302 के मरबा के तरफ आएगा ही, क्योंकि उसका एविडेंस है, उस वीडियो में वो रॉड के द्वारा मार रहा है, रॉड से मार रहा है, हाथ बांधे हुआ है, पैर बांधे हुआ है। डॉक्टर सिद्धार्थ जो है, डॉक्टर सिद्धार्थ कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है वो जाँच का विषय है। SSP साहब ने बताया है कि हम जाँच करते हैं, जाँच में अगर डॉक्टर सिद्धार्थ आता है तो उस पर भी 302 का मुकदमा चलेगा, अगर डॉक्टर सिद्धार्थ नहीं आते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। और SSP साहब ने बताया कि जो सरकारी लाभ होता है वो हम जाएंगे इस पीड़ित परिवार को, चूंकि गरीब परिवार है, बहुत गरीब है, राहुल जी एक सहारा थे, तो जो सरकारी मदद हो सके संभव प्रयास करेंगे कि दिलाएंगे। निशान जी, शुरू से देखा जा रहा है कि आप इसमें लगे हुए हैं, आज आखिरी बैठक भी समझा जाए इसको एक तरह से, DSP साहब से क्या लगता है न्याय कहाँ तक जाएगा? जैसा आश्वासन हम लोग को SSP साहब ने दिया है, मुझे लगता है कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा तो होना भी चाहिए। देखिए, दरभंगा में आए दिन अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है हर दिन, अभी देखे हुए जगह हाल ही कल में चरौर में केशव चौधरी की हत्या हो गया, आज ठीक कल यहाँ आए पता चला राहुल जी की हत्या कर दी गई, डॉक्टर आदर्श सिद्धार्थ डॉक्टर है उनके द्वारा हत्या कर दी गई है। अब आप बताइए कि एक गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार है जो इनके साथ परिवार का, राहुल जी तो चले गए, पिताजी आज आए दिल्ली से, दिल्ली में मजदूरी करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, राहुल जी भी दिल्ली में काम करते थे, तो कहीं ना कहीं परिवार में आर्थिक तंगी के वजह से यहाँ के मजदूरी किए और उस डॉक्टर के काम के मजदूरी मांगने के वजह से उनका हत्या कर दिया गया। उस डॉक्टर पर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए और उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए और राहुल जी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए,
हर हाल में मदद मिलनी चाहिए। हम लोग कल सड़क पर बैठे थे, जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है, आज हम लोग को SSP महोदय पर बुलाया गया है। हम लोग पांच लोग यहां से जा रहे हैं SSP महोदय से, इस राहुल के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा मिला, भरोसा न्याय मिलना भी चाहिए। फुटेज है वो सार्वजनिक कर दे और उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, 302 का मुकदमा हो और इस परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए। प्रधान महासचिव जन अधिकार पार्टी दरभंगा, मामला ये है कि वो बच्चा जो है डॉक्टर सिद्धार्थ के होता वो काम चले गया तो लेबर के रूप में काम करे, 15-20 दिन बाद काज करे के बाद वो अपन हिसाब मांगा गया, हिसाब मांगे क्रम में हिंदा से गाला गलौज के ब्लॉक में पैसा दिया, इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर लेबर के भेज कर हिंदा हाथ पैर बहन कर, ये वीडियो बता रहा है, हाथ पैर बहन का 4 mm के रोड से दोनों साइड मारने से पजरा जो आते फाटे से मृत्यु हो, एहि क्रम में इलाज के लिए DMC लग जाए गए, बीच क्रम में मृत्यु हो गए और शुरू में हमरा सबके बताया गया कि एक्सीडेंटल केस है, लेकिन एक्सीडेंटल केस नहीं रही, मर्डर केस। अखन जन अधिकार पार्टी के तरफ से इनका परिवार की मदद, अखन जन अधिकार पार्टी के तरफ से इनका 20,000 रुपया के आर्थिक सहायता मिले, आगो का आश्वासन भेटलन है कि और इनका मदद ला हमें तत्पर रहा, जो हर अपन नेचर से विक्रम चलो अपना काफी छेड़छाड़ की जा रही है। इससे पहले जो मनीकाची में घटना हुई उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी छेड़छाड़ किया गया, अपराधियों को बचाने की डॉक्टरों ने कोशिश की, क्या आपको लगता है कि इस केस में भी डॉक्टर ऐसा कुछ कर देंगे, कितना विश्वास है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर देखिए ये तो साबिक तौर पर यह बात पता चल गया कि इसके साथ मारपीट हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहाँ छेड़छाड़ होता है तो हम सीधे मारपीट नहीं हुआ है उसको बात नहीं, आपने कहा ना सर कि मतलब छेड़छाड़ मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग तौर पे ये तो हो गया कि उसको मारा गया, मारने के क्रम में उसका देहांत हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। अब ये हत्या का आरोप जो लग रहा है ये तो जाँच का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसके लिए तात्परता दिखानी पड़ेगी और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको रिपोर्ट आने के पहले किसी सिंगल डॉक्टर की रिपोर्ट पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसको नहीं, एक कमेटी गठित करके डॉक्टर की कमेटी बना करके इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए और सर्जरी करे ताकि लोगों को ये पता चले, क्योंकि सारे समाज में जनता में ये बात फैल रहा है कि DMCH में डॉक्टर्स जो है वो अनियमितता वहाँ बरत रहे हैं, लोग मार रहे हैं, मर्डर करके जा रहे हैं और आता है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर सीधे तौर पर हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी उसका रिपोर्ट आए उसको सार्वजनिक करे और डॉक्टर के बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक करे, सिंगल डॉक्टर के सिग्नेचर पर नहीं करे। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को जब रात में पता चला वहाँ पर लोग आए, हमारे जो जिला के प्रधान महासचिव है चुनमुन यादव, बुदुन बिहारी, रोशन झा, दीपक झा, ये सारे लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जो वार्ता हुई तो रात में खत्म कर दी गई। अभी बुलाया गया है कि अभी आपको प्रशासन के साथ बैठ के आप लोग बात कीजिए ताकि कनिष्ठान निकले और हम लोग की सीधे तौर पर एक मांग है जो CCTV कैमरा फुटेज है उसको सार्वजनिक करे ताकि सार्वजनिक करने के बाद जो भी लोग कल्पित हैं उनको पता उनको पकड़ा जाए और कोई भी अपराधी मतलब बचे नहीं। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्र के पप्पू यादव जी ने अभी आर्थिक तौर ये मदद के तौर पर क्योंकि परिवार बहुत गरीब है अविलंब उनको जो 20,000 रुपए का आर्थिक मदद दिया है और कहा है कि आगे भी मदद करने के लिए सदैव जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इनके परिवार के साथ इनके पिता के साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। मजदूरी कर रहा था और मजदूरी का पैसा मांगा, ब्राह्मण मजदूरी कर रहा था मतलब वो मजदूर और मजबूर है और वो पैसा मांग रहा था तो हम लोगों के मिथिला में एक पढ़ाई होती थी घसल अठन्नी, जिस समय में सामंतवादियों ने दलित को घसल अठन्नी दिया मजदूरी के एवज में और वो वापस करने गया तो उसको छल्ला उधार दिया गया, वही कांड आज गरीब ब्राह्मणों के साथ हुआ है कि वह मजदूरी कर रहा था और निश्चित रूप से कुकर्मी अपराधी सामंतवादी सोच के लोगों ने उसको लोहा से मार मार कर मार दिया, इससे बड़ा और खराब काम क्या हो सकता है। भी नीचे की बात हम करते हैं कि ब्राह्मणों को रखा गया है, ब्राह्मणों को दबाने के लिए ही भारत में संविधान का परिवर्तन किया जा रहा है, कानून को बदला जा रहा है, जैसे SC ST एक्ट वगैरह का भी चर्च हुआ है वही नहीं। आप 9 भारत के सुमित झा की रिपोर्ट दरभंगा।